हमने इस सफर की शुरुआत मंडी हिमाचल प्रदेश से करी। आपने लाइडा गांव देखा, फिर हम तीर्थन वैली गए और जगह जगह हमने बहुत खूबसूरत हिल व्यू देखे और तीर्थन नदी का व्यू तो बहुत इंजॉय किया। टूरिस्ट जब तीर्थन वैली आते हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जाएं और वहां पर ट्रैक करें। गुशैनी से 5 किलोमीटर पैदल चलकर आप GHNP के एंट्री गेट तक जा सकते हैं, वहां से ट्रैक की शुरुआत होती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन परमिट निकलवाना रहता है और ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर आप तीर्थन वैली और जिब्बी का टूर शिमला के साथ क्लब करके बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आपको अपनी शिमला जर्नी को 4 दिन से बढ़ाना होगा, जिससे कि आप 2 दिन जिब्बी एक्सप्लोर कर सकें और 2 दिन आप तीर्थन वैली एक्सप्लोर कर सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम बंजार से लगभग 4 किलोमीटर का सफर करके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आए हैं। हमारे साथ इस समय गोविंद जी हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत करता हूं मैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के तीर्थन वैली में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखिए, हम ना अभी सुबह सुबह आए हैं यहाँ पर। एक तो इनसे चलकर इन्फॉर्मेशन लेंगे अंदर रिसेप्शन साइड बैठकर, और बाकी इस समय मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए। अभी इनकी एक्टिविटी चल रही है। पर ईयर यहाँ से तकरीबन 60 से 70 स्कूल आते हैं जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का विजिट करते हैं। केवल हिमाचल वाले या बाहर से भी? हिमाचल से भी आते हैं, आउट ऑफ हिमाचल से भी आते हैं, फॉरेस्ट्री क्लास के भी आते हैं, PhD स्टूडेंट भी आते हैं। तो मैक्सिमम कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया से यहाँ बच्चे आते हैं सीखने के। सो नाइस, आओ अंदर चलते हैं। अभी हम इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आ गए हैं। तो गोविंद जी, हमें आप बता दीजिए यहाँ कितने दिन के ट्रैक होते हैं, राइट? और बुकिंग प्रोसेस क्या है? आप तीर्थन के जितने भी ट्रैक आप 1 डे से लेकर 7 डे का ट्रैक कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रैक शुरू होता है शाही रूपा से, हम परमिट लेंगे और गाइड मैंडेटरी हो जाता है। अभी हम शाही रूपा में हैं, राइट? वी आर हेयर। और यहाँ से हम वाया ट्रैवल करके गाड़ी के माध्यम से गुशैनी से आगे तक जा सकते हैं। फिर आपको ट्रैकिंग के माध्यम से कोर्स ऑन फर्स्ट नाइट आप रोला कैंप कर सकते हैं, इसी तरह आप नाडा कर सकते हैं, इसी तरह आप मझौनी कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं। तीर्थ वो स्थान है जहाँ से तीर्थन का ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इस वैली का नाम तीर्थन वैली पड़ा। यह एक ऐसी रिवर है जहाँ कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत प्योरेस्ट रिवर। परफेक्ट। तो कोई करना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि रोला से होते हुए सैंस तक निकल जाए? बिल्कुल कर सकते हैं आप, सैंस के जैसे जिसका इंटरेस्ट हो, राइट? वो भी 7 डे से 8 डे में कंप्लीट हो जाएगा और आप सैंस वैली में एंटर कर जाओगे। एक तो हम आपके साथ चलकर इंटरप्रिटेशन सेंटर विजिट करना चाहते हैं, दूसरा रहने की यहाँ हमें सुविधा भी दिखा दीजिए क्या है। और बुकिंग आपकी वेबसाइट से होती है, वो रेस्ट हाउस की होती है? बिल्कुल, वो हमारे रेस्ट हाउस। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक में चार्जेस आपने मुझे कुछ देर पहले ही जिक्र किया था, 3,500 पर डे पर पर्सन, राइट? तो वो ऑनलाइन नहीं होता, वो यहीं आके आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा और आपको गाइड से डिस्कशन करना पड़ेगा कि कितनी टीम आपके साथ जाएगी, कितने पोर्टर जाएंगे। एज पर पोर्टर आपके डेली बेसिस उसमें चार्ज होंगे, तो 3,500 के आसपास वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ एकोमोडेशन के लिए। तो कितने रूम्स हैं आपके पास टोटल? टोटल हमारे पास 6 रूम है सर, जिसमें हमारे पास कुछ हट है, कुछ फैमिली स्वीट रूम है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फैमिली स्वीट रूम, जिसमें डाइनिंग भी ऐड होगा और सोफा सेट होगा, सीटिंग एरिया। देन उसके बाद आपको ले चलता हूँ सीधे बेडरूम की तरफ। इसका 2,000 रुपीज़ सर आप एक नाइट के लिए बुक। तो टोटल रूम्स आपके पास केवल 6 हैं? केवल 6 रूम है जी, जिसमें 2 हमारे पास रिसर्चर हट भी है जो स्पेशली फॉर रिसर्च। तो फिर फुली चलती होगी 6 रूम इतने कम में? बिल्कुल सर, एडवांस बुकिंग करो, राइट? बाकी हमारे पास डोर मैट्रीज है जहाँ आप स्टूडेंट रुकते हैं, वहाँ 60 बच्चे एक साथ रुक सकते हैं। तो 1,500 भी आपने बताया था ना टैरिफ है जी? एक डिलक्स कैटेगरी का रूम जो 1,500 तक की रेंज का है। ओके, तो अभी हम आपको ले चलते हैं इंटरप्रिटेशन हॉल, वहाँ पे आपको पूरा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क डिस्क्राइब हो जाएगा कि क्या चीज़ें किस एलिवेशन पे है। पूरा मैप के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमने यहाँ भी लगाए, जैसे ये देख रहे हैं आप टेक्सस बकाटा, इसका नाम है रखाल। ये एक एंटी कैंसरक, एक मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। इसको हम हर्बल टी की तरह भी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी की तरह। अच्छा, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। हम तो इसको सर्दियों में, हमारे पूर्वज बहुत लेते हैं, कोरोना काल में देख रहे हैं, इसकी बहुत डिमांड।
तो आपका ये व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, हाँ जी महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। अभी मैंने पहले भी एक दो बार सुना ना, मेरे को बहुत सही लगा। और चलते हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर। चलिए ऊपर। तो आप आ चुके हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के जो जियोग्राफिकल एरिया आपको मैप में दिख रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चार वैलीज है, जैसे कि उन चार वैलियों का नाम रिवर से पड़ा हुआ, तीर्थन रिवर, सेंज रिवर, जीवानाला और पार्वती रिवर। ये आप देख रहे हैं एक्चुअल साइज में वेस्टर्न ट्रैगोपन, जो स्टेट बर्ड भी है जिसको जयजुराना बोलते हैं, ये किंग ऑफ वर्ल्ड है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं हिमालयन मोनार्क जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। ये दोनों बहुत ही रेयर स्पीशीज है हिमालय की। हिमाचल प्रदेश के सीधे स्नो लेपर्ड पे ले चलता हूँ, जिसका एक्चुअल साइज इस तरह का आंका गया है और बहुत ही इस तरह के हाई एलिवेशन में इसको रहना पसंद है। आप देख रहे हैं स्नो के साथ साथ रॉकी एरिया इसको पसंद है। इसके साथ हिमालयन घोरल है जो रॉकी एरिया इसको पसंद है, साथ के साथ इसका ज़्यादातर आमना सामना होता रहता है शिकार। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया 23 जून 2014 को। इसकी जो यूनाइटेड आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू में क्या क्या चीज़ें आई, जैसे 31 मैमल स्पीशीज इसमें आ गई और इसके साथ साथ 183 बर्ड स्पीशीज काउंट की गई उस दौरान, और आज का जो करंट डाटा है वो 240 के आसपास बर्ड स्पीशीज है। ये डाटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने तक का था, अभी करंट का डाटा कुछ और है। उस पे हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स पे काम हुआ है, बटरफ्लाइज पे काम हुआ है, फिश पे काम हुआ है, जिस इस वैली के तीर्थन ट्राउट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्राउट एक मेजर स्पीशीज है ये तीर्थन वैली की, जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती है। प्योरिटी का इंडिकेटर है ट्राउट, हिमालयन रेनबो ट्राउट। अब बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का एक रीज़न था, तो सबसे मेन रीज़न था कि यहाँ की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 37 मेडिसिनल प्लांट और 832 फ्लोरा स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है चीज़। आपको टेक्सास बकाटा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रह्मा कमल, पिंक रोडोडेंड्रॉन जो स्टेट फ्लावर है। इसी तरह कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, यहाँ बहुत सारे होम स्टे है, अगर आप बाहर से विजिट करना चाहते हैं तो आप होम स्टे में भी रुक सकते हैं। यहाँ का लग्जरी फूड, यहाँ का लग्जरी अकोमोडेशन, यहाँ का रॉयल रिच कल्चर, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी। और ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया जो नेचुरल एंगल्स है, जिसमें टॉप रैंकिंग पे है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और साथ के साथ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमाचल में एक और है, वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। ये देख रहे हैं आप ब्लू शिप, जिसका एलिवेशन इसी तरह रॉकी एरिया इसको पसंद है और थोड़ा सा ये स्नो लाइन से नीचे नीचे रहता है। जब हम स्पीति गए थे ना, तब हमने ब्लू शिप को देखा था। ओ ग्रेट, स्पीति वैली में ज़्यादा दिखता है जी। और ये हिमालयन मस्क डियर, ये बहुत रियर है एक्चुअली। इसका जो मस्क पॉट है उसको बिकता था, ये हंटिंग होती थी, आज ये हंटिंग बैन हो चुकी है, अब इसकी संख्या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बढ़ी है। ये हिमालयन थार है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे GHNP में बहुत साइट हुआ है। मेरे को जनरली ना इंटरप्रिटेशन सेंटर्स में ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि बर्ड्स की आप साउंड सुन सकते हो। हिमालयन बुश रॉबिन, चेयर फिजेंट, और वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जो एक्सपर्ट गाइड्स होते हैं वो तो बर्ड की साउंड से उसकी लोकेशन समझ जाते हैं और वहां पर फिर नजरों से या बायनोकुलर से देख लेते हैं। लवली गोविंद भाई, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। शुक्रिया जी, वेलकम। हाँ, मैंने ना कल भी ये चीज नोटिस करी थी और एक तरह से मैंने आपको बताना भूल गया कि गुशैनी से जब आप इस तरफ को आ रहे होंगे तो एक छोई वाटरफॉल आता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाइए रोड से और 1.5 किलोमीटर का आप इजी डिफ़िकल्टी लेवल का ट्रैक है वो कर सकते हैं। और कितना, 1 घंटा लगता होगा जाने में? 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और आधा 1 घंटा वहाँ पे आप
स्पेंड कर सकते हो, 3 घंटे का एक प्रोग्राम बन सकता है। मैं इस समय थोड़ा ट्रैक करना अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। चलो जी, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। गाड़ी रोकी है हमने जिबी वैली का फर्स्ट व्यू देखने के लिए। सामने आप दूर दूर तक जहाँ भी देख पा रहे हैं, ये सारा एरिया जिबी वैली में ही आता है। अभी से पहले हमने जो तीर्थन वैली देखी, लाइडा गांव देखा, वहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ इस एरिया का, मतलब इस वैली का, तो डिफरेंस ये है, वहाँ मुझे बहुत सारे रॉकी टेरेन देखने को मिल रहे थे, पहाड़ देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर पहाड़ तो हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं। आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, और ये सारे के सारे, मतलब काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पर जो देवदार के हैं। वैसे भी देवदार हाई ऑल्टीट्यूड में ही रहता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। एक चीज़ मैंने पिछले 10 मिनट में नोटिस करी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में यहाँ पर नहीं आया, मैं टैक्सी में आया हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी लेके आया होता तो मेरे से गाड़ी नहीं चलनी थी। कहने का मतलब ये, सिंगल रोड है, देखो ना, ये देखने से आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन जब सामने से दूसरी गाड़ी आती है ना, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए पहाड़ में गाड़ी सिंगल रोड पे कैसे चलानी, तभी आप पार कर सकोगे, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक ना एक को तो बैक करना पड़ेगा। सामने देखिए कुछ झाड़ हैं, मैंने 5 मिनट पहले भी देखा था, यहाँ वाइल्ड बेरीज लगी हुई हैं, तो मैं बेरीज खा लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो वहाँ पर ऊपर है, ओह ये सामने ही है गदर, कांटे हैं संभल के, अरे इसके तो पत्ते में भी कांटे हैं, ये देखो सही लग रहा है ना, बताओ कुछ भी नहीं किया और तो भी हाथ में कांटे लग गए। तारा भाई कोई एक आध देखो ना, गुच्छा तोड़ सकते हो कहीं से, अरे बाप तुरंत नहीं है, थोड़ा पानी है आपके पास, थोड़ा साफ कर लेंगे। तारा भाई के साथ ही हम सफ़र कर रहे हैं, इनका घर शिमला में है, तो हमें ये पिकअप करने आए और वापस जर्नी ख़त्म होने के बाद ड्रॉप करेंगे। ये मज़ा तो बहुत अलग है। और देखो ये एक झाड़ नहीं है, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो तो बहुत सारी बेरीज तो मेरे को यहीं पर खड़े होकर दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी झाड़ हैं यहाँ पर, वाह लवली, सही है। तो तारा भाई गाड़ी आप नीचे कर लो, फिर अपन यहाँ से चलते हैं मार्केट की ओर, और उसके बाद हम जिबी वाटरफॉल विज़िट करेंगे, और उसके बाद जहाँ आज हमको जिबी में रुकना है, गेस्ट हाउस में पहुँच कर फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। हम जिबी मार्केट के पास पहुंच चुके हैं, हमने यहाँ गाड़ी रोकी है, थोड़ा डिस्टेंसेस पड़ रहे थे, तो ऊपर मैंने देखा लिखा था जलोरी पास रामपुर होते हुए कैसे आप शिमला जा सकते हो, और इसी के दूसरी साइड पर बंजार, मैंने आपको बताया 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है, कुल्लू मनाली और रोहतांग पास का डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। जैसे ये जो मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, मुश्किल से अगर मैं ग्रॉसरी शॉप की बात करूँ 3 से 4, बाकी कैफ़ेज़ यहाँ काफ़ी सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं, और कुछ गेस्ट हाउसेज हैं वो सामने आप देख लो। तो थोड़ी देर पहले मैं वॉक करके वहाँ तक गया था देखने के लिए कि मार्केट कितनी बड़ी है, तो सही है, गुड। चलो अब यहाँ से आगे हम वाटरफॉल को चलेंगे। वाटरफॉल के एंट्री गेट तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से मैंने 20 रुपया एक आदमी का एंट्री टिकट ले लिया, मतलब पर पर्सन। इधर कुछ वेंडर्स हैं जो वुलन क्लोथ्स बेच रहे हैं, टोपी जुराब अगर आपको ठंड के लिए चाहिए तो। आइए यहाँ से नज़दीक में ही हमको जाना है, 5 मिनट लगेंगे वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। वाटरफॉल तक पहुँचने का जो अप्रोचिंग रास्ता है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स हैं और बहुत बढ़िया से बनाया गया। हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, ये देख लीजिए आपके सामने,
मुझे किसी ने बताया कि अभी तो पानी कम है, लेकिन बरसात के समय और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी पानी रहता है और काफ़ी टूरिस्ट हैं इस समय यहाँ पर। आओ नज़दीक से देखते हैं। अब हम यहाँ से अपने गेस्ट हाउस जाने को निकल रहे हैं। दो चीज़ें मेरे को यहाँ अच्छी लगी हैं, एक तो ये 100 मीटर का रास्ता एंट्री गेट से यहाँ आने का, और दूसरी चीज़ यहाँ जहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं ना, नीचे पानी को देखो तो आर पार दिखाई देता है, पानी काफ़ी साफ है। इस जगह भी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, देखो पानी आ रहा है ना, ये चीज़ अच्छा लग रहा है। भले वाटरफॉल में पानी कम है, लेकिन ये दो चीज़ मेरे को यहाँ पर आके अच्छी लग रही हैं। चलिए चलते हैं। वाटरफॉल से लगभग हमने 2 किलोमीटर का सफ़र किया और हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के लिए ना, ये पहाड़ के ऊपर की तरह, वैसे तो पूरा यहाँ सब कुछ ही पहाड़ के ऊपर है, लेकिन लास्ट के जो 100-150 मीटर थे ना, वो एकदम वन वे है। तो अभी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। यहाँ पर भरत और हिमांशु हैं जो गेस्ट हाउस को रन करते हैं। तो चलो आपके पास आ गए हैं, लंच रेडी है क्या? यस सर, चलो लंच हमने आपके लिए बना रखा है। ठीक है, रूम पहले देख लेते हैं फिर लंच। ये रूम है जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। टैरिफ है 2500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। बाहर एक छोटी सी बालकनी है, ये भी देख लेते हैं। सही लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, चारों तरफ पहाड़ और हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। ये देखो सामने एप्पल ट्री। अभी जुलाई अगस्त में हिमाचल में सेब आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर चलता है नवंबर तक। हम जब स्पीति गए थे तो हम किन्नौर में जाके हमने देखा था, किन्नौर का सेब तो नवंबर तक आता है। सही है, गुड। चलिए लंच करते हैं। नीचे रूम के बाहर से अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ एक फ्लोर ऊपर आ गए ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जलोरी पास किस तरफ है? जल्दी आप देखेंगे तो आपके सामने वहाँ पे आपको वो जलोरी पास दिखेगा। वो एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 10,200 फीट है, एंड करेंटली हम लोग अभी 5,200 फीट में सिचुएटेड। ऑलमोस्ट डबल। यस, ऑलमोस्ट डबल। और यहाँ से कितने किलोमीटर है? ये आपको अबाउट यहाँ से 12 किलोमीटर्स होगा जो आपका जलोरी पास होगा, बट एट एन एलिवेशन जहाँ पे आप सीधा 5,000 फीट से 12 किलोमीटर में कवर कर रहे हैं। कल हम जलोरी पास जाने का सोच रहे हैं, इसलिए ये पूछना ज़रूरी था। अच्छा, अब यहाँ पे हम खड़े हैं ना, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, हमारे को 180 डिग्री काइंड ऑफ व्यू मिल रहा है। यस, ब्यूटीफुल। ये सारे तो सर्दियों में स्नो कितनी आती है, मतलब इस पूरी वैली में? इस पूरी वैली में आपकी अगर जीपी जो लोअर पोर्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे एक एक फीट तक आपकी बर्फ होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट हायर ऑल्टीट्यूड जैसे झलोड़ी पास हो गया, वहाँ पे 7-7 फीट तक भी बर्फ होती है। तो उसकी वजह से कई बार रास्ता इनएक्सेसिबल हो जाते हैं फॉर 2-3 मंथ्स, वो क्लोज हो जाते हैं, देन जब रास्ते कटते तो वापस एक्सेस हो जाती है। ओके ग्रेट, चलो जब तक अंदर बैठते हैं जब तक लंच रेडी हो रहा है। श्योर सर। देखो लंच में यहाँ पर आज हम 3 चीज़ खा रहे हैं, देसी चिकन, साथ में पनीर भुर्जी, और ये है बिच्छू बूटी का साग। सही है, वेरी वेल कुक्ड। बिच्छू बूटी का जो साग है ना, इसको उत्तराखंड में कंडाली का साग बोलते हैं। मैं काफ़ी देर से याद करने की कोशिश कर रहा था, ये कम से कम मैंने 5 से 6 बार खाया है, स्पेशली जब हम गढ़वाल साइड गए थे ना और हमने 4 धाम की यात्रा करी थी, तो उस समय मैंने काफ़ी जगह खाया था। बढ़िया अलग चीज़ है। उफ। इंटरेस्टिंग, सही है। देखो आज ये जो बिच्छू बूटी का साग मैं जो खा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए मैं बोलूँगा नया एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि जो मैंने उत्तराखंड में खाया था ना, वो एक डिफरेंट टेस्ट था, ये अलग स्वाद है, गुड है। और इसको बिच्छू बूटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पौधा होता है ना, उसमें आप हाथ लगाओगे ना पत्ते पे भी, वो तो जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, तो जैसे उसका पौधा डंक मारता है, उसके कांटे बड़े खतरनाक होते हैं। जी मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए खास तौर पे बता रहा हूँ। और इसका स्वाद
आपको लेना चाहिए जब आप पहाड़ में आते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में पता नहीं जगह जगह मिलता नहीं मिलता, लेकिन उत्तराखंड में तो बहुत फेमस है, राइट है। तो अब हम लंच फिनिश कर लेते हैं, और आज के दिन मैं कुछ और नहीं कर रहा, आज का डे हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग से जुड़े हुए कुछ काम है जिसमें मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो अब हम कल जीबी घूमेंगे और कल मैं आपको मॉर्निंग में ज्वाइन करता हूँ। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे जलोरी पास से रघुपुर फोर्ट तक का ट्रैक। रघुपुर फोर्ट का खूबसूरत ट्रैक कर लेने के बाद हम अगले दिन सरोलसर लेक भी गए। तो एक तरफ तो जलोरी पास के रघुपुर फोर्ट है और दूसरी तरफ सरोलसर लेक। तीर्थन और जिबी वैली घूम लेने के बाद हम सैंज वैली भी गए और हमने वहां पर बहुत खूबसूरत मिडो एरिया देखा। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सीरीज इंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।